बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। रिजल्ट चाहिए, 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 रिजल्ट चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आप सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि 24/12/2018 को जो धरना दिया गया था, उस धरने से क्या रिजल्ट निकल के आया है और धरने में क्या चीजें हुई हैं। हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, उनके कमेंट्स आए हैं, उनकी कॉल आई हैं, तो मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं कि धरने में क्या रिजल्ट आया है, धरना किस प्रकार हुआ है और कौन कौन साथी हमारे साथ आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं, आपको पता होगा 24/12/2018 को कड़कड़डूमा जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही DSSB ऑफिस है, वहां पे धरना दिया गया था। तो लगभग 11 बजे तक साथी वहां पर पहुंचे थे, आपको पता है ठंड की वजह से, और हालांकि बहुत सारे साथी 10 बजे से पहले भी पहुंच गए थे, लेकिन जो मैं पहुंचा वहां पे लगभग 11 बजे के लगभग वहां पे पहुंचा था, और जो मैंने वहां पे सिचुएशन देखी, लगभग उस टाइम तक 40-45 साथी वहां पे प्रेजेंट थे, और बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या और बढ़ने लगी। तो लगभग 11:30-12 बजे बच्चे वहां पे बैठ गए धरना देने के लिए, और उन्होंने अपना जो भी धरना स्टार्ट कर दिया, अपनी मांगे वहां पे दिखाई DSSB को। इसके बाद आपको हैरानी होगी जानकर, हम लोग सोच रहे थे कि 30 वाले साथी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक 30 वाला साथी भी प्रेजेंट था। इसके बाद स्पेशल वाले और जो नर्सरी टीचर हैं वो भी, और मतलब बहुत सारे अन्य जो साथी थे हमारे साथ प्रेजेंट थे, और TGT वाले भी थे, और इसके बाद जो स्पेशल वाले हैं 15/17, और मतलब जो BEd वाले भी हैं स्पेशल में, वो भी साथी हमारे साथ प्रेजेंट थे। और इसके बाद जो प्राइमरी टीचर थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, मतलब 1/18 और 16/17, लेकिन जो साथी थे उन्होंने 16/17 जो उन्होंने बैनर बनाए थे, तो 16/17 उसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि 1/18 मेंशन कर दिया तो हमने मना कर दिया, धैर्य जी थे उन्होंने मना कर दिया कि 1/18 इससे ही पता चल जाएगा। तो साथियों हुआ क्या, इसके बाद आपको सबसे पहले बिल्कुल पता होगा कि 16/17 1/18 ये दोनों पोस्ट कोड एक हैं, और जो मेनली ये धरना दिया गया है 16/17 1/18 PRT जो टीचर हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे, और मेनली वही साथी प्रेजेंट थे, और जो साथी थे उनकी संख्या इतनी नहीं थी। हालांकि उन्होंने भी वहाँ आकर सहयोग दिया है, वहाँ पे अपनी डिमांड रखी है, और बहुत अच्छा सहयोग दिया उन्होंने। तो साथियों इसके बाद हुआ क्या कि जो केस करने वाले साथी हैं उन्होंने क्या कहा कि इनमें PRT वाले ही नहीं हैं। उनका एक कमेंट आया था कि इसमें PRT वाले हैं ही नहीं, इनका बैनर देखो। अब उनको कौन बताए कि 1/18 वो भी PRT है, मतलब वो भी तो PRT टीचर ही हैं, और ये धरना कौन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें है ही नहीं, ये कोई और है। अब और का मतलब ये कोई दूसरी दुनिया से आए हैं। तो साथियों जो भी है, ओवरऑल PRT साथी, इसके बाद TGT साथी, स्पेशल वाले, सभी साथियों ने रिजल्ट की वहाँ पे डिमांड करी है। इसके बाद जो लगभग मतलब काफ़ी देर तक वहाँ पे धरना दिया गया, इसके बाद वहाँ पे जैसे पुलिस भी आई थी जानकारी लेने के लिए भाई क्या चल रहा है, और इसके बाद DSSB ऑफिस से भी मतलब जो मैम थी उन्होंने पेपर भेजा था कि भाई अपनी डिमांड इसमें लिख दें, और इसके बाद बच्चों ने वहाँ पे इतना डिमांड वगैरह जो उनकी डिमांड थी वो वहाँ तक नहीं पहुँचाई, वो डिटेल मांग रहे थे बच्चों की, तो बच्चों ने वहाँ पे अपनी डिटेल नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। उसके कुछ टाइम बाद धैर्य जी ने एक RTI थी तो उनके पास एक मैसेज आया कि जो आपकी RTI है उसका रिजल्ट दे दिया DSSB ने। तो RTI का क्या रिजल्ट आया कि जो रिजल्ट है वो जल्दी ही वो देने वाले हैं, मतलब रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड सून। तो साथियों इस मैटर को देखते हुए बच्चों ने वहाँ पे डिस्कस किया कि DSSB ने जो अभी जवाब दिया है रिजल्ट के लिए, इससे उम्मीद है कि रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा,
क्योंकि आरटीआई का उन्होंने जवाब दिया था कि जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बच्चों ने जो वहाँ पे साथी थे सभी ने बैठ के वहाँ पे बात की कि वो जवाब दे रहे हैं कि रिजल्ट वो जल्दी दे देंगे, तो क्यों ना हम ज्यादा वो ना करें यहाँ पे और वेट करते हैं, क्योंकि डीएसएसपी ने अपनी तरफ से जो जवाब दिया है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आरटीआई का जो जवाब दिया था, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको आरटीआई की कॉपी भी दिखाऊंगा, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो सभी साथियों ने मिलकर वहां से क्या किया कि अब हम चलते हैं, अब हम जो अपना धरना है आगे के लिए और सोचेंगे अगर डिमांड होगी, हालांकि उम्मीद ये है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और जो ये साथी सोच रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा, कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा, बात जो चल रही है स्टे की, स्टे भी नहीं है, तो इन बातों पे आप अफवाह पे ध्यान ना दें। लेकिन इस बात का यकीन हो गया कि कितने साथी रिजल्ट चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन साथियों अब की बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पे पहुँचें और हमें सहयोग दें, और ऐसा नहीं है कि डीएसएसपी मैम तक हमारी बात नहीं पहुँची, डीएसएसपी मैम तक हमारी बात पहुँची है और उन्होंने वहाँ से पेपर भेजा है कि अपनी मांग इसमें लिख के दें, आपकी क्या डिमांड है। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि हमें कोई डिटेल नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए अपना, हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं और सभी साथियों का रिजल्ट दे, डिटेल से क्या होगा, हम यहाँ पर अपना सिर्फ एक दो बंदे या जितने यहाँ पे आए उनका रिजल्ट नहीं चाहते, हम सभी का रिजल्ट चाहते हैं, तो रिजल्ट जल्दी से दें। इसके बाद जो आरटीआई का जवाब आया उसके बाद सभी साथी संतुष्ट हुए कि हाँ रिजल्ट जल्दी आ सकता है, और ऐसा नहीं है डीएसएसपी मैम तक हमारी बात पहुंची, उन्होंने पेपर भिजवाया। तो काफ़ी ऐसे साथी सोच रहे होंगे, उनके कमेंट आए थे कि वो वहीं से भगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आराम से उठ के आए थे और काफ़ी टाइम तक वहाँ पर बैठे रहे थे। तो साथियों और आप देख सकते हैं कल मैं आपको जो आरटीआई का जवाब आया है उसके बारे में भी अवगत करा दूंगा कि डीएसएसबी ने क्या जवाब दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आगे अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो सभी साथी सहयोग करेंगे। और आप सभी को धैर्य जी को बहुत बहुत थैंकफुल, मतलब थैंक्स बोलना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ करते आ रहे हैं, और जो भी साथी जिन्होंने धैर्य जी का सहयोग किया है उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो साथी उम्मीद करते हैं रिजल्ट जल्दी आएगा, और आप अपनी जो बातें हैं जो धरना से रिलेटेड जो बातें हैं आप समझ गए होंगे। तो साथियों फ्यूचर अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डीएसएसबी से जुड़ी जो भी न्यूज़ है आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहेंगे, फेक न्यूज़ नहीं, रियल न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।